want justice. Justice. Release our selection list. Release our selection list. है हमारा एम्प्लॉयमेंट का, जैसे कि आप सबको पता है कि J&K इस टाइम पे सेकंड हाईएस्ट नंबर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, जिसमें डाटा ये रिवील करता है कि 46% जो यूथ है अभी भी J&K में अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं तो होगा तो कैसे होगा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो बेसिस पर जो कैंडिडेट्स लगते हैं वो ऑलरेडी एक कैंडिडेट एक अपना एफिडेविट लिख के देते हैं कि दे कैन नॉट प्रोटेस्ट, दे कैन नॉट गो फॉर एनी पेटिशंस और कोर्ट केस एंड ऑल, बट कुछ भी बस जब हमारी सिलेक्शन लिस्ट हमारी एडवर्टाइजमेंट आती है JKSSB के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 of 2021, जिसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी पोस्टें रिलीज होती है, हम वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, 300-400 रुपया स्पेंड करके नियरली 1200 कैंडिडेट्स, इतने पैसे खर्च करके हम अपने लाखों रुपये अपनी डिग्री पे पैसे खर्च करके, इस टाइम माँ बाप जो है वो अपने बच्चों पे डिपेंड करता है फाइनेंशियली, हम अपने फ्यूचर को सेफ और सिक्योर करने के लिए हम वो पोस्ट फॉर्म भर के हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है हमारी बाकायदा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट का आना था, सम बग्स आते हैं, कुछ लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं दे पटिशन डाल देते हैं, वो कोर्ट में कहती है कि ये जॉब हमें दो, अरे बाबा कैसे दे दो उनको जॉब, आपने उनको परमानेंट करना आप कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट जो हम डिजर्व करते हैं अपना राइट हमें तो दो, अगर यही चलता रहेगा कि बच्चे पढ़ेंगे डिग्रियां करेंगे एग्जाम लिखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी बाद में उनकी सिलेक्शन लिस्ट ही नहीं निकालनी, ऐसे हमारा शेप हमारी कंट्री और यूथ कैसे आगे बढ़ेगा, ऐसे J&K में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी कि ज़्यादा होगी, हमारी स्टेट का क्या हाल होगा, हम ये फ्यूचर बनेगा कि फ्यूचर को तबाह कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है LG सर से, ऑनरेबल डीपकॉम ACS सर और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अंडाल कि एटलीस्ट अपने स्टेट के लिए कुछ सोचो, अपने बच्चों के कैरियर के लिए कुछ सोचो, हमने एग्जाम क्वालिफाई किया, हमारी सिलेक्शन लिस्ट JKSSB ने अभी तक रिलीज क्यों नहीं की है, हमारी सर मेरा नाम रूबिया, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट टू निकाली थी तो उसमें डिपार्टमेंट हेल्थ एंड मेडिकल की पोस्ट निकाली थी सर, पहले उनकी नवंबर में स्कोर कार्ड आया, उसके बाद उन्होंने DB निकाली, फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि इस पर स्टे लगा हुआ है, तो स्टे का भी हमने इंतज़ार किया, तो सर हमारे ये जनवरी से लेके मार्च तक सिर्फ दिन ही हो जाते हैं काउंट करते कि स्टे कब हटेगा कब हटेगा, ज़्यादा हमें LG से कुछ नहीं कहना है कि हमें सिर्फ हमारी सफारिश चाहिए। We want justice. Release our selection list.